हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन की रंगशाला में सनराइज फिल्म को, जिसको भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, की स्क्रीनिंग सोमवार को हरियाणा पुलिस अकादमी की रंगशाला में साय 5 बजे दिखाई गई। इस अवसर पर फिल्म निर्देशिका विभा बख्शी, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता, साथ में इस फिल्म के सितारे भी उपस्थित रहे। सोशल इशू पर जिसका इतना ज़बरदस्त विरोधाभास हो, उसके ऊपर मूवी बनाना, और आपने काम किया है, नेशनल अवार्ड मिले हैं, तो किस तरह देखते हैं इस कामयाबी? हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं कि एंड में वर्डिक्ट ऑडियंस की है। हमने बहुत रिस्पॉन्सिबली फिल्म बनाई है। हम चाहते हैं कि लोग होप के साथ रहें कि बदलाव आ रहा है। हमने देखा है कि जब हमने बोला कि हम फिल्म हरियाणा के बारे में बना रहे हैं, सब ने पूछा क्यों आप वहाँ जा रहे हो, पर यही हरियाणा से हमारे हीरोज़ मिले, जो ऐसे आदमियों जो वर्ल्ड एग्जांपल्स बन सकते हैं, जो जिन्होंने इतनी इतनी अपनी बहादुरी दिखाकर वो बदलाव दिखा रहे हैं। और इसलिए हम ये फिल्म सनराइज़ हरियाणा के लोगों पर है। हरियाणा के ये बिल्कुल हम बोलते हैं, दिस फिल्म सनराइज़ इज़ इन ऑनर ऑफ द पीपल ऑफ हरियाणा। मैम देखिए, जिस तरह की फिल्म इंडस्ट्री में एक भावना रहती है, कोई भी डायरेक्टर कमर्शलाइज होता है, खासकर इस तरह के इशू पे नहीं काम करते, या उनकी अपेक्षाएँ रहती हैं कि कितने करोड़ का बॉक्स ऑफिस छुएगी, और आपने इनसे हटके काम किया, तो यहाँ क्या चाह रहे हैं कि क्या मिले? आज जो स्क्रीनिंग हुई, जहाँ 4,000 पुलिस ऑफिसर्स अपने यूनिफॉर्म में उठकर उन्होंने इतनी थंडरस अप्लॉज दी, उससे ज़्यादा कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं हो सकता है। जब सर के साथ उन्होंने प्लेज ली कि हम जो सच है हम वो ही कदम उठाएंगे, उससे ज़्यादा बड़ी अवार्ड नहीं मिल सकती है। अर्थ प्रकाश के लिए करनाल से मदन पुरी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।